आज मैं आपको बताऊंगी स्टफ्ड मूली के पराठों की रेसिपी घर पे कैसे बनाते हैं। मूली के पराठों की स्टफिंग तैयार करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो मैं वो सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ में जो हम स्टफिंग तैयार करेंगे उसमें हम मूली के पत्तों को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि मूली के पत्तों में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और मूली की स्टफिंग हम ऐसी तैयार करेंगे कि उसमें बिल्कुल भी मूली पानी नहीं छोड़ेगी, पराठे बेलते समय फटेंगे भी नहीं और जब वो तवे पे जाएंगे तो बिल्कुल गुब्बारे की तरह आपके मूली के पराठे फूल जाएंगे। तो बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी का वीडियो है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, मूली के पराठे खाने के बाद कुछ लोगों को गैस बनने की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात है नहीं, गैस तो सबको बनती है। तो मैं एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी स्टफिंग में जिससे कि गैस ही नहीं बनेगी, बहुत ही आराम से आपके मूली के पराठे डाइजेस्ट हो जाएंगे और इस मूली के पराठों का आनंद सब लोग उठा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलिए देखते हैं मूली के स्टफ्ड पराठों की रेसिपी कैसे बनती है। मूली का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पूरी मूली ली है जिसमें पत्ते भी हैं। तो देखिए, मैं इसके पत्तों को अलग कर दे रही हूँ और जो मोटे वाला डंडा है, जो ये मोटे मोटी हैं, इनको मैं अलग कर देती हूँ स्टेम्स, और सॉफ्ट सॉफ्ट जो पत्ते होंगे उनको भी हम ले लेंगे। तो मूली के पराठा बनाने में मैं मूली के साथ साथ मूली के पत्तों को भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मूली में जितने फ़ायदे होते हैं ना, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मूली के पत्ते फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, चाहे आप सब्जी बनाएं चाहे मूली का पराठा बनाएं, सब में आप मूली के पत्तों को ज़रूर यूज़ करें। तो धो लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको महीन महीन चॉप कर दे रही हूँ। इस तरह से खूब महीन महीन काट लीजिए मूली के पत्तों को। तो यहाँ पर मैंने मूली के पत्तों को बहुत अच्छे से काट लिया है, ये इनको हम साइड में कर देते हैं और इनको हम पराठों में यूज़ करेंगे। तो अब हम मूली के आगे पीछे दोनों तरफ से उसको थोड़ा सा कट लगा देते हैं, फिर उसको हम अच्छे से पील कर देते हैं, छील देते हैं। तो इसका छिलका ज़रूर उतार दीजिएगा। और मैं यहाँ पे दो मूली यूज़ कर रही हूँ, दोनों मूलियों को मैंने बहुत अच्छे से छील लिया है। अब हम इसको ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करेंगे। तो बहुत मोटे वाले से आप मत करिएगा, नहीं तो आपके पराठे फटने का डर रहेगा। तो मीडियम साइज़ वाला जो है वहाँ से हम इसको ग्रेट करेंगे, और बहुत जो छोटा वाला साइज़ होता है ग्रेटर का उससे भी ग्रेट मत करिएगा, नहीं तो मूली बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी, तो जिससे आपके पराठे गीले हो जाएंगे, फिर वो अच्छे से बिलेंगे नहीं। तो चलिए मीडियम साइज़ वाली तरफ से हम इसको ग्रेट करना शुरू करते हैं। ग्रेट करने से पहले हम मूली को कुछ पीसेस में कट कर देते हैं जिससे कि हमें ग्रेट करने में थोड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे हम इसको मीडियम साइज़ वाले साइड से ग्रेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप एक एक बारीकियाँ बताऊँगी मूली के पराठे बनाने में, जिससे कि आपके बिल्कुल सुपर फाइन डिलीशियस पराठे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने मूली को ग्रेट कर लिया है और अब हम इसमें मूली के पत्तों को भी डाल देंगे जो कि हमने छोटे छोटे चॉप किए थे। तो थोड़े ही पत्ते डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 पत्ते यूज़ करिएगा। इसी में अब हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया, तो 2 चम्मच के करीब चॉप्ड हरी धनिया मैंने डाल दी। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल के मिला देंगे। नमक डालते ही मूली पानी छोड़ देगी और अब हम इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सूखी सूखी स्टफिंग तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको अच्छे से निचोड़ रही हूँ, खूब अच्छे से हाथ से दबा दबा के आप इसका पानी अलग कर दें और दूसरे बाउल में आप स्टफिंग को रखते जाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा पानी है, इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी से हम आटे का डो तैयार करेंगे मूली के लिए। तो ये हमारी सूखी सूखी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, इसमें आप चाहें तो थोड़े से हरी धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे जिससे कि इसका चटपटा स्वाद तैयार करेंगे। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेटेड डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे 2 से 3, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच यूज़ करेंगे हम, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे, अजवाइन 1/4 टेबल स्पून, सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अजवाइन, इसको ज़रूर डालिएगा। अजवाइन डालने से क्या होगा कि जो मूली कुछ लोगों को खाने से गैस बनती है, तो वो गैस नहीं बनेगी। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को मिला देंगे और ये हमारी चटपटी सी स्टफिंग तैयार हो गई है। लेकिन हमने इसमें नमक नहीं मिलाया, आपने ध्यान दिया ना, वो हम सबसे लास्ट में मिलाएंगे। तो चलिए अब हम डो तैयार करते हैं। 1 कप हमने गेहूँ का आटा लिया है, इसमें हम मिलाएंगे मूली वाला पानी। तो आटे में हम नमक नहीं मिलाएंगे क्योंकि मूली के पानी में नमक ऑलरेडी है, तो वो सफिशियंट है। तो बस अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, 2 चम्मच के करीब पानी बचा है, बाकी सारा पानी मैंने यूज़ कर लिया है। तो इसको खूब अच्छे से मल के मसल के हमें डो तैयार करना, बिल्कुल हमें पराठों वाला डो तैयार करना, ना बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल बीच का डो तैयार करना। तो ये देखिए, हमारा ये डो लग के तैयार हो चुका है, मूली का पानी भी हमने पूरा यूज़ कर लिया। तो चलिए अब हम स्टफिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने मसाले तो मिला रखे थे लेकिन हमने नमक नहीं मिलाया था, अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। अगर आपको यहाँ पे
थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगे तो आप इसको निचोड़ सकते हैं एक बार और। स्वाद के अनुसार नमक मिला दिया है। नमक को मिलाते ही हम फटाक से इसकी स्टफिंग भरे पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक पेड़े को काट लिया है, उसको आटे में डस्ट करने के बाद हम इसको एक कटोरी की शेप में बना देंगे। साइड साइड से दबाते जाएंगे, बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे और ये देखिए हमारी कटोरी बन के तैयार हो गई है। इसमें हम स्टफिंग को रख देंगे। बस 2 चम्मच के करीब हमने स्टफिंग रखी। थोड़ा सा सूखा आटे से आप डस्ट कर दीजिए और इसके हम ऊपर का जो एजेस हैं वो सारे आपस में मिला के इसका हम मुंह बंद कर देंगे और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब इसको हम अच्छे से आटे में डस्ट करेंगे। मूली के पराठे को आटे में बहुत अच्छे से डस्ट करिए और एक बार इसको हाथ से अच्छे से दबा दीजिए जिससे कि चारों तरफ मूली फैल जाए। हल्के हाथों से बस आपको इसको 2 से 3 बार बेलना है। इससे ज़्यादा मूली का पराठा मत बेलिएगा, ना ही आप प्रेशर लगाइएगा, नहीं तो आटा पराठा आपका फट जाएगा। तो ये हमारा पराठा बेल गया है। अब हम इसको तवे पे मीडियम आंच में, गरम तवा है उस पे हम इस पराठे को रख देंगे। पराठे को हम दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे तभी हम इसमें घी लगाएंगे। देखिए अब ये नीचे से कितने अच्छे से सिक गया है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी इसको सेकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ से हम पराठे को जब बहुत अच्छे से सेक लेंगे तभी हम इस पे घी लगाएंगे। इससे ही आपके पराठे जो स्टफ्ड है वो फूलते हैं। तो बस अब आपका यहाँ पे पराठा फूलने वाला है। तो सारी बारीकियाँ मैंने आपके साथ शेयर करी है, बेलने से लेके स्टफिंग से लेके सेकने तक। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा, आपके पराठे 100% तवे पे आते ही गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे, जैसे कि मेरे पराठे फूल गए हैं। तो कौन कहता है कि मूली के स्टफ्ड पराठे फूलते नहीं है। तो देखिए मैंने आपको पराठे फुला के दिखा दिया। तो जल्दी से मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करिए और अपने घर में भी सुबह सुबह नाश्ते में मूली का पराठा बनाइए, खिलाइए सबको, खूब सारी तारीफें बटोरिए। तो अब हम यहाँ पे मूली के पराठे को चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। ये पराठे बहुत टेस्टी बने, इस पर हल्का सा मक्खन लगा लीजिए तो वाह क्या पराठों का स्वाद है, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब मैं आपको पराठा अंदर से खोल के दिखाती हूँ कि इसकी स्टफिंग कैसी है। बड़े ही गरम गरम पराठे हैं, मुझे खोलने में मेरा हाथ भी जल रहा है, लेकिन मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने परफेक्ट तरीके से पराठे बने, गरम गरम सी भाप भी निकल रही है और ये सुपर डिलीशियस मूली के पराठे बने हैं, बिल्कुल ढाबा स्टाइल के। तो जल्दी से आप लोग भी इस बार मूली के पराठे बनाइए इन सर्दियों में। देखा आप लोगों ने कितना अमेजिंग रेसिपी थी मूली के स्टफ्ड पराठों की। बहुत ही आसान है, मैंने आपके सारे कन्फ्यूजन्स इस वीडियो में दूर किए हैं। तो जल्दी से सर्दियों में आप भी बनाइए फटाक से सुबह के नाश्तों में डिलीशियस मूली के स्टफ्ड पराठों की रेसिपी। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।